मादान, मादान, रक्तदान। मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा में आवाज चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है, ऐसे मामलों को देखते हुए किसी भी मरीज को ब्लड की कमी ना हो सके और हालातों में सुधार हो सके, इसलिए आवाज चैरिटेबल फाउंडेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की भी उपस्थिति अहम रही। आवाज चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आज यहाँ शिवाजी नगर गजानन कॉलोनी में ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम लिया है। इस फाउंडेशन की तरफ से लगातार इस तरह के प्रोग्राम वे करते रहते हैं। हमें लगता है कि आज पैंडेमिक में जो ब्लड बैंक में बहुत सारी स्कर्सिटी तैयार हुई है, इस तरह के कैंप से जो भी ज़रूरतमंद मरीज हैं उनको इस कैंप के जरिए कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। मोदी सरकार जब से देश में आई है वादा करके आई थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन 7 सालों में लगातार पूरी दुनिया में जब क्रूड ऑयल के दाम कम हुए तब भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ा के लोगों की जेब काटने का काम किया है। आज 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत है, लगभग 100 रुपये के करीब डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। हमें लगता है कि धीरे धीरे लोगों की जेब काटने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, साथ ही साथ तिलहन हो, दलहन हो, सब्जी हो, ढुलाई हो, हर तरफ महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन केंद्र की सरकार उसको अनदेखा कर रही है। हमें लगता है जनता में जो गुस्सा है आने वाले दिनों में उसका असर नज़र आएगा। आवाज चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष अर्शद निशानदार ने बताया, संस्था अभी तक सैकड़ों कार्यक्रम कर चुकी है और ऐसी सेवा जरूरतमंद लोगों को संस्था से मिलती रहती है। एक्चुअली ये पेंडेमिक में क्या हुआ था, लोगों को बीमारी के चलते ना लोगों के पास खून की कमी हो रही थी, मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, तो कॉल्स आने के बाद हमारे टीम से हमने डिसाइड करके किया कि हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप करने से लोगों को हेल्प होगी और जिन लोगों को प्रॉब्लम है ब्लड डोनेशन का, ब्लड का जो कमी होगी वो उनको सहायता मिलेगी इस ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू। लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, आप अपना वक्त थोड़ा निकालिए, आप आगे आए, रक्तदान करें, ब्लड डोनेट करें। इस चीज़ से क्या होगा, जो लोग यहाँ आज के टाइम में बीमारी से जूझ रहे हैं उन लोगों का हेल्प होगी। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वक्त निकाल के अपना ब्लड डोनेट करें। इस कार्यक्रम में स्थानीय क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की भी मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कई लोगों का संस्था द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। ये बहुत ही अच्छा काम है आवाज फाउंडेशन के तरफ से, और आज कोविड में जो ब्लड की शॉर्टेज है उस बनिस्बत आप देखेंगे तो ये अरशद भाई और उनकी जो टीम है पूरी, इन्होंने एक सराहनीय काम किया है, और मैं अपने तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो आज सोसाइटी के लिए, समाज के लिए इसी तरह से काम करते रहें, और मेरी शुभेच्छा उनके साथ है। देखिए बात ऐसा है, देश बहुत बड़े बीमारी से जूझ रहा है और उस पर आवाज़ फाउंडेशन और इनके जो साथी है, इनके जो कार्यकर्ता है, मोहल्ले के इनके सब दोस्तों का एक माइंड है कि हम किसी ना किसी तरीके से लोगों के काम आए, लोगों की मदद करें। और ब्लड देना ये मुस्लिम लोग मैं समझता हूँ बहुत कम देते, लेकिन शुरुआत इन्होंने पहले से की है, 2-3 साल पहले से अपने सेंटर में भी रखे थे ब्लड डोनेशन का कैंप। तो इस तरह से इनके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ रहा है और लोगों को मालूम पड़ रहा है कि भाई ब्लड देने से ब्लड घटता नहीं है, ब्लड बढ़ता है। तो आवाज़ फाउंडेशन बहुत सालों से काम करते आ रही है, लोगों के ऑपरेशन करके देना, हार्ट के ऑपरेशन करके देना, आँखों के ऑपरेशन करके देना, ऑपरेशन के मालूमात नहीं रहती है। डॉक्टर लोग जो प्राइवेट डॉक्टर है जो लोगों को लूटते हैं, क्योंकि गरीब आदमी जाता है डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उनको मालूम नहीं रहता कौन से संस्था से, कौन से प्रधानमंत्री से फंड मिलता है, राजीव गांधी से कैसा फंड मिलता है, तो लोगों को मालूमात नहीं रहता। और ये संस्था इनकी मालूमात करके देती है, ये मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे भाई है, और इसी तरह से इनका अल्लाह ताला हौसला बढ़ाते रहे, इनकी उम्र बढ़ाते रहे, इनके पूरे
लोगों को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और इनकी उम्र के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको ऐसी लोगों की खिदमत करने का मौका दे और ऐसी तरह से पब्लिक की सेवा करने का मौका दे। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।